बात करते हैं ट्रांसलेशन का, तो हम लोग का जो एक्टिविटी है वो दो तरफ होता है। एक तरफ कहाँ होता है सर? एक तो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और दूसरा एक्टिविटी होता है हम लोगों का राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। तो साइटोप्लाज्म में दो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं सर। पहला एक्टिविटी होती है सर जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का बात करेंगे तो देखिए कोई भी चीज को एक्टिवेट कैसे करते सर? किसी भी चीज को एक्टिवेट करते विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी। और हमारे अगर हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें सर, तो एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अमाइनो एसिड नंबर वन है, इसको क्या किया जाता है? इसको एटीपी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इस समय एक एंजाइम रहता है सर, एंजाइम का नाम साइड में लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। दिस पूरे ये पूरा का पूरा एक्टिविटी किसके प्रेजेंस में होता है सर? मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होता है। अब क्या होता है सर, जो एटीपी है ये ब्रेक होता है मोनोफॉस्फेट में, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एक तरफ एक फॉस्फोरस ब्रेक करता है ये, और ये आपका अमाइनो एसिड से बाइंड कर लेता है। दूसरी तरफ ये फॉस्फोरस ब्रेक करता है और ये आपका एंजाइम से बाइंड कर लेता है। तो ये क्या बनाता है सर? अमाइनो एसिड एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो दिस इज अ पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्मड ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। साथ में हमने क्या देखा? दो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का एनर्जी रिलीज हुआ, वो अलग हो गए। अब देखिए सर, एक तरफ ये एक्टिवेशन हुआ, ये एंजाइम आया, ये एंजाइम कौन सा है सर? तो एंजाइम का नाम हम लोगों को पता है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेस। अब देखिए सर क्या होगा, तो जैसे ही आपका एक्टिवेशन हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हम लोगों का विच इज अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इट विल गो एंड रिएक्ट विथ टी आर एन ए। नाउ वॉट विल हैपन? दिस एंजाइम विल बाइंड एट द डीएचयू लूप एंड ट्रांसफर दिस अमाइनो एसिड टू द थ्री डैश एंड, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट वॉट? विल गेट अ अमाइनो एसिड टी आर एन ए कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम विल बी सेपरेटेड एंड ए एम पी विल बी सेपरेटेड। नाउ दिस टी आर एन ए इज कॉल्ड चार्ज्ड टी आर एन ए। सो वॉट डू वी हैव इन साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन, वन इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। वी प्रोवाइड एनर्जी टू द अमाइनो एसिड बाय विच इट विल फॉर्म अमाइनो एसिड ए एम पी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दिस अमाइनो एसिड ए एम पी एंजाइम कॉम्प्लेक्स विल गो टू टी आर एन ए वेयर इट विल रिएक्ट विद द टी आर एन ए एंड इट विल फॉर्म चार्ज टी आर एन ए, दैट इज टी आर एन ए प्लस अमाइनो एसिड, एंड द एंजाइम एंड द ए एम पी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। क्लियर बाबू? ठीक है, तो पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रोसेस होता कैसे, फिर उसके बाद जो उसके पॉइंट्स है राइटिंग के वो इस साइड में मैं लिखते रहूंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है सर? एम आर एन ए है, यहां पर फाइव डैश एंड है और यहां पर हमको मिथाइलेटेड ग्वानिन का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। दिस साइड विल बी अ पॉली ए टेल में एडिशंस, ठीक है। जिन लोगों को ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है पोस्ट ट्रांसलेशन वाला, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाला, पहले उसको करा देंगे, बाद में फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो देखिए ये जो मिथाइलेटेड ग्वानिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस में उसको बोलते हैं इनिशिएशन, और इनिशिएशन में जो सबसे पहला स्टेप कहलाता है वो हम लोगों का कहलाता है क्या? बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो जब हम लोगों ने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पर ये मैंने क्लियर किया था कि हम लोगों का जो राइबोसोम है, ठीक है, जो 30 इन केस ऑफ योर पार्टिकुलर
यूकैरियोट्स वी हैव 40S सब यूनिट राइबोसोम का, उसमें 18S आरआरएनए होता है. ओके, विच आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करेगा? दिस मिथाइलेटेड ग्वानिन. तो देखिए वो आएगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा. इसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो यहां पर सर्च करेगा कि एयूजी सीक्वेंस कहां पर है. तो मान लीजिए ये लिखा हुआ एयूजी सीक्वेंस, ठीक है. तो जो हमारा राइबोसोम था वो आया, उसने आइडेंटिफिकेशन किया, सर्च करते हुए गया, उसको यहां पर एयूजी का सीक्वेंस मिला और वो यहां पर बाइंड कर गया. ठीक है, कैसे हुआ सर बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट? फर्स्ट राइबोसोम केम, आइडेंटिफाइड मिथाइलेटेड ग्वानिन, सर्च फॉर एयूजी सीक्वेंस एंड बाइंड टू द एयूजी सीक्वेंस. क्लियर है इतना? यस अब सर, अगर यही चीज हम प्रोकैरियोट्स में बोले सर, तो प्रोकैरियोट्स में तो ना तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से मिथाइलेटेड ग्वानिन मिलेगा, ना तो उनमें 18S आरआरएनए होता है. तो उसमें जो स्मॉल सब यूनिट है, जो 30S सब यूनिट है, वो क्या करता है? सर्च शाइन डेलगाडो सीक्वेंस. वो किस चीज को सर्च करेगा? साइन डेलगाडो सीक्वेंस को सर्च करेगा. तो उसमें स्टार्टिंग में साइन डेलगाडो सीक्वेंस होते हैं, उसके बाद एयूजी से बाइंड कर जाएगा, सेम प्रोसेस. बट एक चीज ऑब्जर्व करो सर यहां पर, अगर आप ध्यान देते हो तो प्रोटीन ट्रांसलेशन जो है वो तो इस सेक्शन से स्टार्ट होगा, राइट. इतना पोर्शन जो है आरएनए का, उसमें पोस्ट प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं होता है, और इस रीजन को बोलते हैं यूटीआर. व्हाट इज यूटीआर? अन ट्रांसलेटेड रीजन. क्या बोलेंगे सर? अन ट्रांसलेटेड रीजन बोलेंगे. ये हो गया हमारा पहला चीज. फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है सर? तो देखते हैं. तो हम लोगों का ये रहा आपका एमआरएनए, ये 5' एन, ये मिथाइलेटेड ग्वानिन, ये हमारा एयूजी, और इससे कौन बाइंड किया हुआ था? राइबोसोम बाइंड किया हुआ था. तो याद रखिए राइबोसोम में हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 6 न्यूक्लियोटाइड अंदर प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 6 न्यूक्लियोटाइड विच विल बी प्रेजेंट हियर. अब क्या होता है सर कि हम लोगों का सेकेंड स्टेप में क्या होता है? बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए. तो अब क्या होगा सर? टीआरएनए आएगा और टीआरएनए आके हम लोगों का यहां पर एयूजी से बाइंड कर जाएगा. दिस इज अमीनो एसिड नंबर 1 जो टीआरएनए लेके आया और एयूजी से बाइंड कर गया सर. ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए इज द नेक्स्ट स्टेप. एक बार टीआरएनए का बाइंडिंग हो जाए सर, तो हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं. क्या? बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट. तो अब क्या होगा सर? जैसे ही टीआरएनए बाइंड करता है तो आपका जो एमआरएनए है वो सिग्नल देता है किसको? वो सिग्नल देता है आपका लार्ज सब यूनिट को कि ओके, टीआरएनए आ चुका है, नाउ यू कैन कम एंड बाइंड टू द पार्टिकुलर सीक्वेंस. मान लीजिए ये एयूजी था, ठीक है, इसके आगे का सीक्वेंस ये रहा, 3 न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए CUC है. यहां पर आपका टीआरएनए आया, ये बाइंड कर गया, अमीनो एसिड नंबर 1 है. इन नीचे की तरफ हमारा स्मॉल सब यूनिट था, आगे की ऊपर की तरफ कौन बाइंड कर गया सर? लार्ज सब यूनिट हमारा बाइंड कर गया. जैसे ही आपका लार्ज सब यूनिट बाइंड करता है सर, वैसे ही इनिशिएशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है सर. ठीक है, तो इनिशिएशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेप्स. कौन कौन सा सर? पहला स्टेप है हम लोगों का बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू द एमआरएनए. कैसे बाइंड करेगा? तो पहले यूकैरियोट्स में 40S जो सब यूनिट है उसमें 18S आरआरएनए होता है जो मिथाइलेटेड ग्वानिन को सर्च करता है और एयूजी पे बाइंड कर जाता है. 30S जो सब यूनिट है बैक्टीरिया का, वो हम लोगों का किसको सर्च करता है सर? तो इट सर्च फॉर साइन डेलगाडो सिक्वेंस, और वो भी एयूजी से बाइंड कर जाता है. एक बार ये एयूजी से बाइंड कर गए तो उसके बाद क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोगों का
नेक्स्ट स्टेप में आपका जो पार्टिकुलर लार्ज सब यूनिट है वो आके यहां पर बाइंड कर जाएगा। क्लियर है बाबू? इतना होगा इलोंगेशन। तो आफ्टर इनिशिएशन वी हैव इलोंगेशन फेज। नाउ इलोंगेशन फेज में क्या होता है सर? तो हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा था। दिस वॉज द 5' एंड दिस वॉज द 3' एंड। और देखिए इलोंगेशन का सबसे पहला स्टेप बाइंडिंग ऑफ tRNA एट ए साइट। तो पहले साइट सीख लेते हैं सर। ये जो साइट है इसको बोला जाता है पी साइट, जिसमें AUG फर्स्ट पहला साइट जो होता है इसको बोला जाता है ए साइट। और ये जो बाहर की तरफ इस साइड है इसको बोलते हैं ई साइट। तो क्योंकि हमारा ए साइट एम्प्टी है तो पहला स्टेप क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ tRNA एट ए साइट। तो हम लोग देखते हैं देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नोन एज EF TU विल ब्रिंग tRNA। आई देखिए सर यहां पर बहुत सारा स्टेप्स में एनर्जी भी यूज हो रहा है सर, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप रिक्वायर्स एनर्जी। तो हम एनर्जी के बारे में अभी कहीं पर भी बात नहीं करने वाले। एनर्जी का बात हम लोग एक ही बार में करेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि हम लोग का किस किस स्टेप में एनर्जी यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा? EFTU आपका tRNA लेके आएगा। तो मान लीजिए हम लोग का ये रहा नेक्स्ट tRNA जो यहां पर आ रहा था। ये क्या लेके आया? अमाइनो एसिड नंबर 2 लेके आया। जैसे ही आपका जो ए साइट है वो फुल हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं सर कि हम लोगों का आपका जो राइबोसोम है वो मूव करता है। और इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सर? ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम होता है सर। अब इस ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम को कौन कराता है? देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड EFG। तो हम लोग का होगा क्या, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे सर, कि हम लोगों का जो आपका राइबोसोम था वो मूव कर गया। और मूव करने की वजह से क्या हुआ देखेंगे। तो जो आपका AUG था जो पी साइट पे था वो आप ई साइट पे आ गया, ठीक है। CUC पे अभी भी उसका tRNA है अमाइनो एसिड नंबर 2। AUG पे उसका tRNA होगा जो उससे बाइंड किया था। अब देखिए अगर ये tRNA बाहर जा रहा है और आपका अमाइनो एसिड उसके साथ बाहर चला जाए तो कोई प्रोसेस का फायदा ही नहीं है। तो अमाइनो एसिड जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है एडजेसेंट tRNA पे। अब इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है कंटेन, क्या कंटेन करेगा सर? एंजाइम नोन एज राइबोजाइम। इस राइबोजाइम का काम क्या है सर? इसका काम है टू ट्रांसफर अमाइनो एसिड फ्रॉम आउटगोइंग tRNA टू नेक्स्ट tRNA एंड फॉर्म क्या बनाएगा सर? पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक चीज समझिए सर, हम लोग जो यहां पर राइबोजाइम का बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग, इट इज योर rRNA ओनली। दिस इज योर rRNA। सो rRNA एक्ट एज एंजाइम हियर, ओके। तो दिस राइबोजाइम विल डू व्हाट? इट विल ट्रांसफर द अमाइनो एसिड फ्रॉम दिस पोजीशन टू द नेक्स्ट पोजीशन। मान लीजिए एक बार और एक ये स्टेप करके देखते हैं। देखिए क्या है कि अब राइबोसोम को फिर मूव करना है, पर मूव करने से पहले क्या होगा? आपका इस जगह पे tRNA आना पड़ेगा जो अमाइनो एसिड नंबर 3 लेके आएगा। अब राइबोसोम मूव करेगा तो मूव करके मान लीजिए CU से आगे बढ़ गया। अब CUC ई साइड पे आ गया, और जब CUC ई साइड पे आया तो उसका जो पार्टिकुलर tRNA था वो भी बाहर आ गया सर। अब अगर ये tRNA बाहर आते समय अपना अमाइनो एसिड अपने साथ लाएगा तो नहीं चलेगा सर। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो अमाइनो एसिड नंबर 3 था इस पे आपका क्या होगा सर? अमाइनो एसिड नंबर 2 एंड अमाइनो एसिड नंबर 1 दोनों ट्रांसफर हो जाएगा सर, ठीक है।
कौन कराएगा? सेम एंजाइम, राइबोसोम। क्लियर है बाबू इतना? यस सर, यस यस सर। सर। ओके, तो ये जो ट्रांसलोकेशन होते होते मान लीजिए कहां पर पहुंच गया? यहां पहुंच गया सर। और जब यहां पर पहुंचा है सर, तो इस पे जो टीआरएनए है, मान लीजिए इस पे हमारा क्या है सर, अमाइनो एसिड नंबर एन से लेके अमाइनो एसिड नंबर वन तक है। अब जब ये यहां पहुंचता है तो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम तो नहीं रुकेगा, ठीक है? राइबोसोम विल मूव, राइबोसोम विल मूव। बट प्रॉब्लम क्या है सर, देखिए, राइबोसोम विल मूव बट स्टॉप कोडोन डू नॉट हैव टीआरएनए। तो स्टॉप कोडोन पे तो कोई टीआरएनए है ही नहीं। सो अब क्या होगा सर? सो राइबोसाइम विल ट्रांसफर अमाइनो एसिड चेन टू वाटर, ठीक है? क्योंकि यहां पर कोई टीआरएनए नहीं आने वाला, स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं है, तो अमाइनो राइबोसाइम के पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो क्या करता है, इस चेन को किसको ट्रांसफर कर देता है? वाटर को ट्रांसफर करता है। अब जैसे ये ट्रांसफर करेगा, एज इट ट्रांसफर टू वाटर, व्हाट विल हैपन? वी हैव समथिंग नोन एज हियर रिलीज फैक्टर, आरएफ। यहां पर हम लोग का क्या होता है सर, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर। किसके साथ होता है? यह हमेशा स्टॉप कोडोन के साथ होगा, ओके? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज इट ट्रांसफर टू वाटर द रिलीज फैक्टर डिसोशिएट बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड ट्रांसलेशन स्टॉप। नाउ एक चीज देखिए सर, ट्रांसलेशन यहां पर स्टॉप हुआ है सर, वी स्टिल हैव दिस मच रीजन, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूटीआर। तो आपका दोनों साइड में अनट्रांसलेटेड रीजन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्लियर है सर किस तरीके से आपका टर्मिनेशन होता है? क्लियर है कि यस नहीं? ठीक है बाबू, एक चीज मैंने बोला था ना, इनिशिएशन फैक्टर एंडिंग में लिखाऊंगा। तो इनिशिएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि यूकैरियोट्स और जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं आईएफ। तो इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट्स में 8 होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं सर। सो वी हैव 3 इनिशिएशन फैक्टर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड 8 इनिशिएशन फैक्टर्स इन यूकैरियोट्स। क्योंकि एनसीईआरटी ने इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं देके रखा है, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम लोग चेक करेंगे एनर्जी काउंट इन ट्रांसलेशन। तो देखेंगे सर कहां कहां पर एनर्जी यूज होता है और कितना अमाइनो एसिड के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर। सबसे पहला एनर्जी यूज होता है सर अमाइनो एसिड एक्टिवेशन में, ओके? नाउ यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो एटीपी था, ये ब्रेक डाउन हुआ था एएमपी प्लस डबल पी। तो सर असल में इनको दो एटीपी इक्विवेलेंट माना जाता है, 2 PI है। तो एटीपी काउंट यहां पर जो होगा वो होगा 2 ATP। ऑल दो देखने में एक एटीपी लग रहा है, बट एनर्जी इक्विवेलेंट पे काउंट किया जाता है एटीपी, तो यहां पर 2 ATP का यूटिलाइजेशन माना जाता है। इसके बाद में हम लोगों का नेक्स्ट जो होता है वो होता है इनिशिएशन में। तो देखिए इनिशिएशन में हम लोगों को 1 ATP का रिक्वायरमेंट होता है सर, और इक्विवेलेंट का बात कर रहे हैं सर, क्योंकि यहां पर यूज एटीपी नहीं होता है सर, यहां पर यूज होता है जीटीपी। तो जीटीपी एटीपी का इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि ये बनाएगा क्या, जीडीपी प्लस पीआई, और पीआई क्या होता है, एटीपी इक्विवेलेंट। नाउ तीसरा जो हमको जरूरत पड़ता है वो है इलोंगेशन में। नाउ इलोंगेशन में हमको टोटल 2 ATP का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब एटीपी इक्विवेलेंट का रिक्वायरमेंट होता है। कैसे सर? तो देखते हैं सर, जीटीपी जीएमपी क्यों नहीं बनाता, जीटीपी बनाते हैं?
वो एक ही फास्फोरस ब्रेक कर रहा है ना, अगर दोनों ब्रेक करता तो जीएमपी बना देता। इक्विवेलेंट कैसे हुआ? मतलब इसमें तो दो एटीपी में और जीटीपी में सिर्फ एक ही फॉस्फेट रिलीज हुआ है। तो यहां पर देखो ना, दो फास्फोरस रिलीज हुआ इसलिए दो एटीपी बोला, यहां एक फास्फोरस रिलीज हुआ इसलिए एक एटीपी इक्विवेलेंट बोला। समझ में आया मतलब? तो एवरी फास्फोरस इज वन एटीपी इक्विवेलेंट, वहां दो था इसलिए दो बोला, यहां एक था इसलिए एक बोला। यहां देखिए फिर से एक जीटीपी यूज होगा, किसके लिए? इलोंगेशन के लिए, तो दिस इज वन इक्विवेलेंट। फिर एक जीटीपी यूज होगा सर किसके लिए? तो ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग ने क्या बोला, वन एटीपी इक्विवेलेंट बोला, इसीलिए इसको दो लिख दिया टोटल। और चौथा होता है सर टर्मिनेशन। ना टर्मिनेशन में भी एक एटीपी इक्विवेलेंट यूज होता है, वन एटीपी इक्विवेलेंट इज यूज्ड, और किसके फॉर्म में होता है? तो जीटीपी के फॉर्म में होता है सर। जीटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू जीडीपी प्लस पीआई। सर एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए एक फोर अमाइनो एसिड का चेन बनाया आपने, अब आप इसके लिए एटीपी इक्विवेलेंट ढूंढ रहे हैं सर। तो पहला किसके लिए, पहला स्टेप किसके लिए बोलेंगे? एक्टिवेशन। कितना यूज हुआ? वन। दूसरा बोला क्या सर? इनिशिएशन। कितना हुआ? वन। अब देखिए इनिशिएशन वन होता है यूज पर अमाइनो एसिड के, बट हमेशा जो अमाइनो एसिड होता है वो जितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो काउंट होता है, मतलब एन माइनस वन, क्योंकि एक तो पहले से ही होगा, दूसरे से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो यहां पर कितना होगा? फोर माइनस वन मतलब थ्री, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, सॉरी इनिशिएशन लिख रहे हैं ना, ओके ओके, नहीं, इनिशिएशन में क्या लिखेंगे? वन। नेक्स्ट देखेंगे सर तीसरा इलोंगेशन, तो इलोंगेशन में कितना काउंट करेंगे सर? वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री। ओके एक सेकेंड रुको, तो हाँ ठीक है। यहां देखो एक्टिवेशन में कितना एटीपी लगता है सर? एक्टिवेशन में कितना एटीपी लिखा हुआ है? दो। दो दोनों से क्या दो होना चाहिए सर हम लोग का? टू इंटू कितना अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा? फोर, मतलब एट होगा सर, ठीक है। वहां गलती कर रहे थे हम। इलोंगेशन में कितना एनर्जी लगता है सर? दो, दो ठीक है। यहां पर कितना काउंट होगा सर? तो एक तो पहले से ही आएगा और बचा हुआ तीन है, तो हम लोग काउंट करेंगे थ्री, मतलब ये हो जाएगा सिक्स। और फोर्थ नंबर क्या सर? टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में कितना काउंट करोगे सर? टर्मिनेशन तो एक ही बार करोगे ना, तो ये काउंट होगा वन, तो कितना बन जाएगा? सिक्सटीन एटीपी। चलो एक और देख लेते हैं इसी तरीके से, एग्जाम्पल फिर क्लियर हो जाएगा। थर्टी अमाइनो एसिड ले लो, हाँ चलो एक बार इसको देख लो फिर बात करेंगे। थर्टी हाँ क्या हुआ? आई देखो हम लोग बोल रहे हैं थर्टी अमाइनो एसिड, तो एक्टिवेशन कितना का होगा सर? थर्टी का, तो टू इंटू थर्टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? सिक्सटी। फिर सर इनिशिएशन कितने बार होगा? इनिशिएशन तो एक ही बार होगा, तो इनिशिएशन का वन, ठीक है सर। फिर क्या होगा सर हम लोगों का? इलोंगेशन, तो इलोंगेशन में कितना यूज होगा सर? टू मल्टीप्लाइड बाय कितना सर? 29। 29 होगा कि नहीं, क्योंकि एन माइनस वन काउंट करना है सर। सर तो 29 इंटू टू कितना होता है यस सर? सर 58 होता है। और टर्मिनेशन में कितना यूज होगा सर आपका? वन, वन तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 एटीपी। क्लियर है?